बात ना पता हो, आप हर रोज़ ही सोच रहे हो कि क्या बात है क्या बात है, आप एक पहेली के पीछे पड़े हो और वो पहेली सुलझ नहीं रही है। जब ऐसी स्थिति होती है और आपको आखिर में जब आंसर मिल जाता है, उससे ज़्यादा सुकून वाला, उससे ज़्यादा खुशी वाला पल नहीं हो सकता। और यहाँ ये बड़ी विडंबना है कि मुझे जो इन्फॉर्मेशन मिली है, जो बात उन्होंने बताई है, कन्फेस किया है कि आदि ने, उनके बेटे ने एक्सीडेंट किया है, बात बहुत गंभीर है, लेकिन कहीं ना कहीं मुझे अच्छा लगा कि मेरे पति ने मुझे एक बात बताई, मुझसे कुछ न छुपाने का उन्होंने फैसला लिया। एंड एक पत्नी के लिए ये एक विनिंग मोमेंट है। लेकिन अभी जैसे कि आप कुछ केस वगैरह कर रहे थे इसलिए तो वो कंटिन्यू हो, अब क्या होगा आपको? तो अब सच्चाई पता चल, अब एक्चुअली तो फिर अब क्या करना? अब मैं एक्चुअली बहुत बड़े कश्मकश में हूँ, क्योंकि अब समझ नहीं आ रहा कि मैं आदि के खिलाफ़ लड़ूँ या नहीं लड़ूँ, क्योंकि आदि तो बच्चा है छोटा सा और रमन के दिल का टुकड़ा है आदि। तो आदि को तो मैं, जाहिर सी बात है, हर्ट बिल्कुल भी नहीं करना चाहूँगी। सो मैं बहुत बड़े डिलेमा में हूँ और अब जो भी फैसला है वो एक्चुअली रमन के हाथ में होगा, क्योंकि अब रमन को भी पता है कि मुझे सच पता है और मैं बहुत बड़े कंफ्यूजन में हूँ। सो रमन ही हेल्प करेंगे अब मेरी। ओके, बात की जाए जैसे आपके और रमन के रिश्ते में काफ़ी भी प्रॉब्लम्स देखी गई इस चीज़ को लेके, काफ़ी उतार चढ़ाव है, तो अब क्या होगा? मतलब नॉर्मल सुधरते हुए दिखेंगे हालात की, अभी भी आप गुस्सा ही रहेंगे, आप कहीं ना कहीं कुछ हालात बदलते हुए दिखाई देंगे? पता नहीं, मुझे हालात तो अभी ऑलरेडी बदले हुए दिख रहे हैं। जब रमन आई, कन्फेस किया और उन्होंने मुझसे कहा कि तुम आदि मेरी कमज़ोरी है और तुम मेरी हिम्मत बन जाओ, बहुत बड़ी बात है किसी पति का अपनी पत्नी से ऐसा कहना, एंड खास करके तब जब हमारे बीच में कोई रिश्ता ही नहीं है, सिर्फ दोस्त जैसे हैं हम। तो अगर उन्होंने मुझ में इतना कन्फाइड किया है तो आई एम रियली हैप्पी ऑब्वियसली। मतलब इशिता रमन की हिम्मत बनने की एक्चुअली इशिता हमेशा से रमन की हिम्मत थी, बस रमन को पता नहीं था।